जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। वीडियोस के थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये वीडियोस स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे SSC GD इंडियन आर्मी या अदर किसी भी डिफेंस के, अगर आप फिजिकल में जाते हैं और आपको हाइट में प्रॉब्लम्स होता है 1 या 2 सेंटीमीटर, इन लोगों के लिए। और जिन बच्चों को चाहते हैं, लगता है कि मेरा 25 साल के अंदर एज है, अंडर एज है मेरे प्यारे बच्चों, और ये अपना हाइट को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हम दो चीज़ें बताएंगे। एक तो फिजिकली एक्सरसाइज और मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन पे बताने वाले हैं। तो इस वीडियोज़ को अंत तक देखना। मैं मुकेश यादव इंडिया लेवल के एथलीट्स रह चुका हूँ अभी मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी टाइम होने की वजह से मेरा और झारखंड में अच्छे खासे पहचान है, खास करके 1600 मीटर के लेकर। अगर मैं बात करूँ इन बच्चों को लेकर, देखिए स्पेशली इंडियन आर्मी की फिजिकल की तैयारी करता है, और मैं इसको लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि आपको दिखाऊंगा वो एक्सरसाइज जो प्रॉपरली एक एक्सरसाइज है और न्यूट्रिशन क्या होना है। देखिए बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आता है कि सर मेरा 169 सेंटीमीटर है, सर मेरा एक प्रॉपर 170 सेंटीमीटर है, हम किस तरीके से अपने 1-2 सेंटीमीटर को इजाफा दे सके अपने हाइट मेजरमेंट के टाइम। देखिए सबसे पहली बात कि जब हम लोग रनिंग करते हैं ना, रनिंग के दौरान अगर हम बॉडीज़ को एक रबड़ की तरह होता है कि अगर जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा वो सिकुड़ता जाएगा। ये सब सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे देन भी हमारा बॉडी फिट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी फिट तो रहेगा बट हमारी बॉडीज और सिकुड़ता जाता है, इसलिए फाइनल देखिएगा जब भी किसी फिजिकल होता है तो सबसे लास्ट में हाइट मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि जो स्टार्ट में आपका जो मेजरमेंट होता है उसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का इजाफा कम हो जाता है फाइनल में, आपको देखते होंगे। तो इस वीडियोस को लेकर इसलिए आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको फ़ायदा हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे ये एक्सरसाइज करो ना हाइट बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज से हाइट नहीं बढ़ता है, मैं आपको फाइनली बता दूँ। साइंटिफिक रूल कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा बॉडी में चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे डोसेज हैं जो हमारी बॉडीज़ को चाहिए और हम देते नहीं हैं, तो हमें बॉडी कहाँ से ग्रोथ करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, एक पौधे को अगर हम पेड़ घर के बिना छाव या विदाउट प्रकाश संश्लेषण के अंदर रखें तो ये कभी ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ करेगा तो बहुत मजबूत नहीं रह सकेगा उस चीज़ का लेवल। तो आप ज़रूर समझिएगा इस बात को अगर हम अच्छे से समझाएंगे। तो आपको क्या खा लेना है, क्या खाना है प्रत्येक दिन मेरे प्यारे बच्चों, एक। और दूसरी चीज़ है जो आपको एक्सरसाइज दूंगा, ये दोनों चीज़ें आपको साथ काम करने जो काफी हेल्पफुल होगा। देखिए हम प्रॉपर एक एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि पिछले 2018 वाली वैकेंसीज में 2-3 बच्चे के ऐसे सिलेक्शन करवाया हूं कहीं ना कहीं, जो बच्चे हाइट से बहुत कम था, इसके वीडियोस प्रॉपरली मैं डाला था, आपने देखा होगा यूट्यूब में। इस वीडियोस को प्रॉपर में देने का एक मकसद है कि बहुत सारी कॉल्स मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूं सबसे पहले कि जब वहाँ पे हम लोग जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जब हाइट मेजरमेंट होता है ना हम लोगों का, तो हम लोग खड़ा होने का तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हमारे 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है हाइट। सबसे पहले अगर हम लोग खड़ा होने का तरीका, देखिए अगर कोई भी साहब वहाँ पे होते हैं या नापने वाले मेजरमेंट करने वाले, तो एक तो सिंपल सी बात कि हम लोग थके होते हैं हल्का, और वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा तान देते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन बट आपको पता होना चाहिए जो साहब वहाँ पे होते हैं वो हमारी बॉडीज़ को इस तरीके से ठोक ठोक के जितना ज़्यादा और नर्वस फील कर देते कहीं ना कहीं, और हम चाहते हैं वो कि वो थोड़ा सा हाइट प्रॉपर कर दे, क्योंकि उस पर जवाबदेही हो जाता है। अगर वो कम हाइट को ज़्यादा हाइट नाप दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि जिसका हाइट 1.70 उसको 1.69 ही दें, कि कल रखे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे पे जवाब ना आए, तो हर एक ऑफिसर चाहता है। तो देखिए सबसे पहले खड़ा होने का जो तरीका होना चाहिए वो पैरों को शटर है ये होना चाहिए, और ये इस तरीके से मत टालना मेरे प्यारे बच्चों। आप जितना इस तरीके से आप नीचे भी मत देखने की कोशिश करना, स्ट्रेट देखने की कोशिश करना, कि आप 90 डिग्री का स्ट्रेट देख रहे हो, इस तरीके का स्ट्रेट देखना कोशिश करना, और ये यहाँ मत ना पाने। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इस तरीके से हाइट और कम हो जाएगा प्रॉपरली। ये वाले जो टंग्स होते हैं ना वो हम 1 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं अगर इस तरीके से। तो करना क्या है, ये साइड वाले जो गर्दन होते हैं इसको थोड़ा सा टान दो ऊपर और ऐसे करके खड़ा हो जाओ, ठीक है, स्ट्रेट देखो, तो 1 सेंटीमीटर का तो इजाफा यहीं हो जाएगा। आप अगर यहाँ टानते हैं ना इस तरीके से, अगर टानते हैं मेरे पैर बच्चों, ये वाला लेयर अगर आप टान देते हैं हल्का थोड़ा सा और इस तरीके, तो 1 सेंटीमीटर की इजाफा यहीं पर हो जाता है। प्रॉपरली हम एक्सरसाइज देने वाले जो एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को घरों में हनी होता है, हनी मतलब मधु होता है, और जब हम रनिंग करने जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो दो चीज़ें बताता हूँ। एक, बच्चे रनिंग के दौरान थक जाते हैं बहुत जल्दी, बॉडी थक पेन करने लगता है, थक जाता है। सबसे बेहतरीन कारगर मेरे प्यारे बच्चों हर एक एथलीट को रखना चाहिए वो क्या, मैं बता देता हूँ। हम लोग सभी मेरे प्यारे बच्चों चना खाते हैं, चना का पानी हम लोग फेंक देते हैं, पता है चना के पानी में कितनी पावर होती है, हमारी बॉडी की हर वो टोसिस पूरा करता है चना के पानी में, सब चीज़ कंप्लीट है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो कैल्शियम है वा कार्बोहाइड्रेट हो, यह सभी चीज़ें याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका 2 चम्मच हनी और इस चना के पानी में मिलाकर अगर खाली पेट सुबह रनिंग के पहले हम अगर पी लेना मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बॉडीज के हर एक मिनरल
प्राप्त हो पाएगा जो हमें बॉडी ग्रोथ और बॉडी सिस्टम का सर्कुलेट के लिए चाहिए। क्लियर है? तो याद रखना एक चीज़, हमेशा पानी नहीं फेंकना, पानी में हनी 2 चम्मच डाल के पी लेना खाली पेट मेरे प्यारे बच्चों, और इसके बाद देन रनिंग करने जाना। और रनिंग करने के बाद जब रनिंग खत्म हो जाएगा देन ये एक्सरसाइज करिएगा जो हाइट का प्रॉपर एक्सरसाइज है। मेरे प्यारे बच्चों एक कोई ईटा लाएगा, जैसे कोई ईटा ले आइए, या तो अपने से कुछ ऊँचे जगह पर, जैसे सपोज करिए ये ऊँचा जगह है, इतना ऊँचा जगह मत रखना, एक ईटा का बराबर रखना। चढ़िए खड़ा हो रहे यहाँ पे खड़ा हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हमारी बॉडीज़ का जो मिनरल्स पावर है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडीज़ की ग्रोथिंग सिस्टम बताता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, झुकने देखो रे, शरीर यहाँ टच करने की कोशिश कर, स्ट्रेट में जमीन टच करने की कोशिश करिए जमीन टच करने का। जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा इतना ही ज़्यादा धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी रबड़ है कि खींच दूंगा तो रबड़ हो जाएगा, नहीं, ये हमारी बॉडी जो सबसे होती ना वो सारी सर्कुलेटिंग प्लेस इसी से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। तो हमारी बॉडीज़ को जो ग्रोथिंग सिस्टम होता है यही एक्सरसाइज कर, स्पट का ये स्ट्रेट रखेगा, झुकने में देगा, चल नीचे जा, नीचे टच करने की कोशिश करो, बट ये ऊंचा ज़्यादा है, कोशिश करिएगा कि एक ईंटे के सामान के ऊपर खड़े हो जाइए और स्ट्रेच करिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडीज़ के जो क्रिपिंग सिस्टम होता है वो वर्क करेगा, और हमारी हाइट हो सकता है 15 से 20 दिनों में कुछ ना कुछ आपको 100% देखने को मिलेगा चेंजेस। अब ये नहीं बोलूँगा भैया आप एक्सरसाइज में 4 सेंटीमीटर बढ़ा लो, 5 सेंटीमीटर बढ़ा लो, एक्सरसाइज में बता रहा हूँ 2 से 3 सेंटीमीटर तक इजाफा हो जाएगा रेगुलर, अगर 1 महीना 1.5 महीना रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं, नीचे आओ। तो आई होप ये वीडियोज अच्छा लगा होगा, वीडियोज अच्छा लगा तो मेरे पास जो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी वीडियोज अगर चाहते हैं तो किस पे चाहिए, नॉकनी फ्लैट फुट, कैसे किसी भी एथलीट में मेरे प्यारे बच्चे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं आपका 100% सोल्यूशन दूंगा। आई होप मुकेश सर के द्वारा हर चीज़ें आपको फाइनल मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।